फुहारे चीखती रह जाएं लेकिन सरकारों पर कोई असर नहीं होता। जनता मर जाए, गिर जाए, बर्बाद हो जाए लेकिन प्रशासन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइन फिल्मी लग रही है ना। साल 2019 दिसंबर महीने की अखबार की एक कटिंग देखिए। अखबार में लालगंज और वैशाली के खेतों में किसानों की कमर तोड़ रही नीलगायों पर एक पूरी खबर सौंपी गई थी प्रशासन को और सरकार को। एक साल हो गए हैं, किसानों की कमर टूट गई, राहगीरों की हड्डियां टूट गई, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं टूटी। वैशाली जिले में नीलगायों की लगातार बढ़ती संख्या खतरनाक साबित हो रही है। खासकर लालगंज और भगवानपुर प्रखंड में तो नीलगायों ने आतंक मचा रखा है। आज उस बेलगाम उत्पात के शिकार बने साथी पत्रकार संतोष कुमार शर्मा। भगवानपुर से लौटने के क्रम में बांधो गांव के समीप प्रताप टाट से ठीक पहले सुनसान सड़क पर नीलगायों ने ऐसी टक्कर मारी कि कई मिनट तक सड़क पर बेसुध पड़े रहे वो। काफी समय बाद पीछे से आ रहे एक बाइक वाले ने मदद की, तब जाकर उन्हें रेफरल अस्पताल लालगंज पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेजा गया। इस भीषण दुर्घटना में उनका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया है, दोनों घुटनों में गंभीर चोटें आई हैं, छाती की हड्डियों में भी क्रैक आया है और शरीर पर कई जगह गहरे जख्म हो गए हैं। एक तरफ नीलगायों के उत्पात से फसलों के नुकसान से किसान परेशान है और दूसरी तरफ इन गांवों में राहगीरों पर मौत के हमले हो रहे हैं, क्योंकि दिन हो या रात सड़क पार करते समय नीलगाय से टकराना आम बात हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि इसका समाधान क्या है। समाधान भी आपको अखबारों की सुर्खियों में दिख जाएगा, नेताओं के भाषण के रूप में। जमीन पर दिखेगा तो बस ऐसे ही कोई घायल आदमी या फिर रोता हुआ किसान। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक नीलगायों का आतंक बरकरार रहेगा, आखिर कब तक प्रशासन नीलगायों की हंटिंग शुरू नहीं करवाएगी, आखिर कब तक इन गांवों की सड़कों पर अंधेरा पसरा रहेगा और आखिर कब तक किसानों को खेतों की रक्षा के लिए रतजग्गा करना पड़ेगा। कायदे से अगर सड़कों और खेतों के बीच में कोई गड्ढा हो, जैसा कि आप चिड़ियाघरों में अमूमन देखते हैं, तो नीलगाय सड़क पर नहीं आ पाएंगे। रोशनी हो तो जानवर सड़कों से दूर रह सकते हैं। सवाल है और सवाल महत्वपूर्ण है। जवाब में प्रशासन कब तक मौन साधे रहती है, मुखिया और जनप्रतिनिधि कब तक अंधेरी सड़कों में मुंह छुपाए रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आ रहे थे भगवानपुर से और बांथो और प्रतापटर के बीच में एक साइड से नीलगाय निकला और मार दिया टक्कर गाड़ी में। कहाँ पे, कौन से जगह पे? वो प्रताप टार से थोड़ा सा आगे पड़ता है, सुनसान इलाका है। क्या क्या जख्मी हुए हैं, कितना कितना हुआ है? हम हाँ? तो बेतहाशा गिरे, गाड़ी के नीचे हम दबे हुए थे। उधर से एक एक दो मिनट के बाद एक बाइक वाला आया, वही थोड़ा सा मदद किया निकालने में। हाथ फ्रैक्चर हो गया है और यहाँ सीना के नीचे यहाँ चोट है, कंधा में चोट है, उसके बाद घुटना में चोट है। ये घुटना पूरा जो है यहाँ से छिला हुआ है। तो जहाँ गिरे वहाँ पे कोई सड़क पे घेराबंदी या कुछ ऐसा नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो ओपन है, सुनसान इलाका है, साइड से जंगल झाड़ी है। नाम बताइए अपना। संतोष कुमार शर्मा, जलालपुर।